में तो सबने कह रखा कि पैसे लगा के भी क्या फायदा, इसका इलाज नहीं होना, ठीक नहीं होना, ठीक नहीं होना बहुत, मतलब कि जाके वहाँ से पहले ज्यादा दिक्कत हो, परेशानी उठानी पड़ेगी जब जाके जाँच करूँगी वहाँ, क्योंकि इतनी वो नहीं है कि इसे लेके फिरेंगे हम, ये परेशान बहुत करे, ज्यादा देर फिर इसे अगर धूप में, धूप बर्दाश्त नहीं है, गर्मी बर्दाश्त नहीं है। कुदरत के करिश्मों को लेकर के बात होती रहती है। कल जैसे हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पर 45 से 46 डिग्री तापमान था और आज बहुत सर्द हवाएं चल रही हैं, तो 24 घंटों में ये सब चीज़ों का बदल जाना, ये सब कुदरत के करिश्मे होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ इंसानों का बस नहीं होता है, और ऐसे ही एक बच्चे के पास हम आए हैं जिनका नाम है शायान, और ये स्पेशल चाइल्ड हैं, और इनको का जब कुछ डॉक्टर से हमने इनके बारे में बात की थी तो उन्होंने हमें बताया था कि इन्हें ब्रेन डिसऑर्डर है, और ये बहुत बड़ा इत्तफाक है, संयोग है कि कुदरत जो है वो अपना अपने आप को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि वो है, यानी वो है खुदा ईश्वर अल्लाह, वो है, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटी धीरे धीरे कर देते हैं ताकि आम लोगों को समझ में आए। तो शायान जो है वो स्पेशल चाइल्ड है, और स्पेशल चाइल्ड इसलिए हैं क्योंकि आप देखिए इनका जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, पहले भी आप देख चुके हैं शायान को, तो शायान जो है वो इनका जो शरीर है वो तो एक आम बच्चे की तरह से बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इनका जो ब्रेन है और इनका जो सर है वो नहीं ग्रोथ कर पा रहा है, और कुछ चीज़ें इनमें दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग है। ये एक तरह की इन्हें रहस्यमय बीमारी है, मिस्टीरियस डिजीज़ है, जिसको हमने समझने की कोशिश भी की, कुछ डॉक्टर्स से भी बात करने की कोशिश की, वो सब चीज़ें हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले तो आज हम आपको शायान से मिलवाते हैं, शायान की अम्मी से मिलवाते हैं और शायान के पापा से मिलवाते हैं। तो इनको जो रहस्यमय बीमारी है इसके बारे में तो यही इनसे बात करेंगे हम, तो यही बताएंगे। आपका नाम क्या है? अर्शी। अर्शी, अर्शी क्या इनको परेशानी है शायान को, कैसे ये मतलब अलग है? ये बस अलग ही है, इसका सिर नहीं बढ़ पाया है, और सिर की वजह से ये दिक्कत करे, बहुत रोए, बहुत ज़्यादा। कितना रोते हैं? मतलब 24 घंटे तक भी रोता है। 24 घंटे तक भी रोता है? पूरी पूरी रात रोता है, सर्दियों में तो पूरी रात रोया है, जैसे नमूनिया हो गया, ऐसे सर्दी हो लग गई, बुखार चढ़ गया तो पूरी रात, ऐसे ही अब भी कुछ भी हो जाए तो पूरी पूरी रात रो रही है। तो जब आप डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर ने क्या बताया, क्या वजह? डॉक्टर बस इसे दवाई दे दे, नहीं तो ठीक नहीं होता तो सोने की दवाई दे देते हैं इसे, बस कि बस ये सो जाएगा, उसे पी के सो जावे बस। तो जब ये छोटा था, मतलब बर्थ के समय, पैदाइश के वक्त, तो उस समय जो है ये ऐसा ही था या? नहीं नहीं, जब तो इसका ये भी नहीं था बिल्कुल, ये जो मत थोड़ा सा मत्था भी आ रहा है ये तो था, आंखें बिल्कुल यहाँ पे थी इसकी दोनों, जब तो ये खाल भी ऐसे ही लटक रही थी बस, और ये अड्डी नहीं खड़ी थी, सिर बिल्कुल इतना सा था इसका। दूसरे बच्चों से इसमें क्या चीज़ें अलग हैं? जैसे आपकी ये दूसरी बेटी, बड़ी बेटी है ना आपकी, बेटी तो आपकी बेटी में और इसमें किस तरह का फ़र्क है, डिफरेंस? फर्क ये है कि ये तो सब बात समझे, ये तो कुछ समझता ही नहीं, फर्क तो हाँ। सारा ये इसमें, मैं बात करूँ बोलूँ कुछ सुनता ही नहीं। और इनके हाथ पैर दिल वगैरह सब ठीक काम करते हैं? हाथ तो ठीक हैं, पैर भी, बस दिमाग तो सारी बात तो दिमाग से ही, दिमाग ही नहीं काम करता। कितनी एज इसकी हो गई है? ये 2 साल का हो गया। दूसरे बच्चे जो 2 साल के हैं वो भी ऐसे ही आपके आसपास हैं? नहीं नहीं, इसके जो 7 के बच्चे वो चलने लगे, बोलने लगे, अच्छी तरह भागे फिरे, खावे भी, इससे कुछ भी नहीं खाया जाता सिवा दूध के, बस दूध दूध पीवे। दांत तो इनके आ रहे हैं? जी जी, दांत आ गए पर इससे खाना नहीं आता। आंखें बड़ी बड़ी? जी आंखें बड़ी बड़ी हैं, आंखें तो इसकी वजह से लग रही कि मत्था नहीं है इसका यहाँ से ये। तो आप डॉक्टर के पास कभी जरूर आप गए होंगे, वो कई बार गए होंगे, बड़े डॉक्टर के पास भी गए होंगे, क्या बताते हैं डॉक्टर? बट डॉक्टर ने तो इसकी वो लिख दी थी कि MRI कराओ इसकी, कि उसके बाद देंगे दवाई, बस MRI हुई नहीं इसकी। क्यों नहीं करा पाए आप? वो पैसे की वजह से नहीं करा पाए। MRI कितने पैसे की होती है? लगभग 20,000 की बता रहे थे डॉक्टर, बता रहे थे तो आपने MRI करा पाए? जी मवाने में दिखा था। क्या आपके हस्बैंड काम करते हैं अर्शी? बस मजदूरी करते हैं, ये तो जो कमावे बस इस पे लगावे बेचारे। आप इनके पापा हैं है ना? तो क्या आपका नाम है भैया? रिजवान। तो रिजवान ये तो आपका दूसरा बच्चा है जी, तो ये ये तो उससे पे इनको तो पता नहीं होगा, लेकिन पहली बार डॉक्टर ने जब ये आया होगा दुनिया में तो आपको बुलाया होगा जी, तो आपने देखा इसे पहली बार, तो हाँ। क्या देखा था आपने? देखा था जब बहुत छोटा था, मतलब कि तब इसमें वजन जब हुआ था वजन 1 किलो से कम था इसमें। 1 किलो से कम था? 90 के आस पास था। 900 ग्राम। हाँ तो इसे डॉक्टर के लिए गए थे, डॉक्टर ने इसे कह दिया कि बाहर ले जाओ, जो मुजफ्फरनगर का दिल्ली डॉक्टर है उसने उसे दिखाया था एमरजेंसी में रात 8 बजे।
उनने कह देते कि ये 2-3 घंटे जिएगा, ऐसे घर ले जाओ, कोई फायदा नहीं दिखाने। मतलब डॉक्टर जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। हाँ, डॉक्टर ने उसे देख के ना कर देता ना कि मशीन में ना तो रखा जाना का, ना इसके हालात ऐसे कि ये मशीन में रखा जाएगा। नहीं, डॉक्टर ने जब उस दिन मना कर दी तो 2 साल कैसे जिंदा रहेगा? डॉक्टर ने कह देता कि 2 घंटे जिएगा जी, फिर कहने लगा इसे घर ले जाओ, कोई फायदा नहीं है दिखाने से। फिर उसने दवाई लिख के दी, अगर इसे तो अगर आराम लगता है तो 2-3 इंजेक्शन से लिख के दे और क्या के दवाई दे के इनको ले जाओ, इसे इसमें कुछ नहीं है। यूँ कहा था उन्हें, मतलब अगर ये जिया तो ये इंजेक्शन लगवा दी उसके और ये दवाई खिला दी, वैसे तो ये जीने का नहीं ना अगर बस कुछ घंटे का जो है ना, मुझे तो इन्होंने कुछ नहीं बताया। इतना हड्डी थी मतलब कि ये इसमें कुछ नहीं था, सांस सांस थी हल्की सी। अच्छा, मेडिकल साइंस में जहाँ तक हम समझते हैं कि इस तरह के बच्चे जो इनको रहस्यमय बीमारियाँ होती हैं या इनको ब्रेन डिसऑर्डर हम कह सकते हैं या दूसरी चीज़ें हैं, ये एडल्ट की एज तक जाते जाते जो है इनको अल्लाह अपने पास बुला लेता है, ऐसा मानना है। वही आप बता रहे हैं कि डॉक्टर ने आपसे कहा था कि ये जो है ज़्यादा जी नहीं पाएगा, तो अभी ये है मतलब, तो इसका मतलब तो अल्लाह का करिश्मा हुआ। जो है जब ये उसमें जब इसका डिलीवरी का टाइम था, जब इसका ऑपरेशन हो रहा था, तो डॉक्टर वहाँ के थे, श्यामली के डॉक्टर थे ऑपरेशन करने के लिए, उन्होंने ना कर देते कि बच्चा तो तुम्हारा बिल्कुल है नहीं, माँ बच जाओ वही बेहतर है। और जब ये खुदा का करिश्मा है जी, बच्चा जब होया वे भी हैरान हो गए कि उसकी सारे अल्ट्रासाउंड में रिजेक्ट है बच्चा, और फिर होने के बाद रो रहा है बच्चा। रोए थे मतलब? रोया था ये बहुत जोर से। नहीं, रोना तो इतना इनकी अम्मी बता रहे हैं कि अभी भी 24 घंटे रो जाते हैं। ऐसे ही जैसे रोया था ना शुरू से ही, रोने पे ही है, 4 महीने रेगुलर रोया था, दिन रात ही। अच्छा, दिन रात रोया था रेगुलर, कि हसत 5 मिनट रो चुप हो गया, 10 मिनट चुप हो गया बस। तो इतना क्यों रोता है और आप लोग चुप कैसे करते हैं इसे? फिर इसे बर्दाश्त करते हैं। चुप तो यह है अपनी मर्जी से चुप हो गया, जैसे मैंने दूध पिला दिया तो चुप हो गया ये थोड़ी देर के लिए, फिर सो गया, फिर इसकी दिमाग में कुछ बात आई फिर रोने लगा। तो ये दूध जो है वो अब माँ का पीता है या? जी, माँ का ही पीता। अब मैंने इसका दूध छुटा दिया, अब तो ये फीडर का ही पीता है। फीडर का दूध पीता है। कुछ खा भी लेता है? नहीं, बस अगर बिस्किट भी खिला दूँ तो इसके दस्त लग जाए, कुछ भी नहीं खा सकता ये, बिस्किट भी नहीं खा सकता। जैसे इम्यूनिटी वीक है? जी जी, बहुत ज़्यादा वीक है। अभी से पूरा 2 महीने हो गया, 10 लाख तो दवाई खा लेगा तो आराम है, दस्त बंद हो जाएंगे। और उसे दवाई असर करती है, इसका तो मतलब ये हुआ ना कि जो इसको कोई बीमारी होती है तो सामान्य बच्चे की तरह जो दवाई आप इसको देते हैं तो दवाई इस पर असर करती है, इसका तो ये मतलब हुआ। हाँ, तो जैसे जो है वो इसका ग्रोथ होती है शरीर के दूसरे हिस्सों की, इसका तो वैसे ब्रेन में कोई ग्रोथ उस दिन से अब तक कोई आपको दिखाई दी कि ब्रेन जो है वो कुछ बेटर हुआ हो, दिमाग कुछ हो अच्छे का? इस पर बस हल्का सा लंबाई लंबाई बढ़ी है, थोड़ा सा हल्का सा। नहीं नहीं, लंबाई भी इसकी सही बढ़ गई और ये वो बढ़ गया यहाँ से, ये तो था ही नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो सब देख के डरा करे थे, मतलब कैसा है ये, अजीब सा लगे तो, मतलब आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी लगे थी जब ये नहीं था इसका, अब तो ये आंखें भी नीचे को हो गई सही सी लगने लगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे अर्शी, वैसे तो ये बहुत पर्सनल सवाल है और थोड़ा सा आपको जो है वो इमोशनल भी कर सकता है, लेकिन जैसे आपका बच्चा है ये, तो कहीं से आपको मतलब प्यार ज़्यादा आता है इस पर स्पेशल, या फिर आपको जो है मलाल होता है, या महिलाएँ जो हैं वो कुछ तंज कर देती हैं, क्या क्या है? जी, मलाल तो यूँ है, मतलब अल्लाह ने दिया ना दिया एक सही है, कुछ नहीं समझता ये, औरतें भी देखती हैं तो ऐसे कहती कैसा है ये। नहीं, हम वो नहीं था हमारा आपको कोई मकसद था कोई? नहीं नहीं, इसे मतलब देख के ऐसे कहें कि हमें डर लग गया इससे, बहुत सी औरतों ने कहा, अब तो मुझे आदत हो गई इसकी, नहीं तो जैसे मैं शुरू शुरू में लेके जाऊँ कहीं पर तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो गया था बिल्कुल भी। ये तो कितना प्यारा बच्चा है, मतलब अब तो इस पर हमें भी प्यार आता है, तो आपको नहीं है? यार मोहब्बत तो सभी करें इससे घर में, भाई यो है कि बस यो जो है कुछ खाता नहीं पीता नहीं, दूध ही पीता है बस, दूध ही पीता है बस, खाना नहीं है खा सकता, खाना लिक्विड चम्मच से खिलाते हैं आप दलिया? जी जी, दलिया भी अगर खिला दूँ तो इससे मतलब झीलता नहीं लग जाए इसके, दस लग जाते हैं इसके। और जैसे मतलब रिजवान आप तो क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं आप, तो आप तो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा भी नहीं पाए होंगे? डॉक्टर को तो काफ़ी को दिखा लिया,
काफी को दिखा लिया नहीं, इतने डॉक्टरों को कहां दिखाया, मतलब बड़े डॉक्टरों को नहीं दिखा पाए, जो इतने पैसे नहीं थे कि बड़े डॉक्टरों को दिखा लें, जो बड़ा डॉक्टर है जांच के डॉक्टर हैं, यही जांच जो है इसकी बहुत पूरी बॉडी की जांच मांगे, पूरी बॉडी की जांच जो कम से कम 1,00,000 रुपए की बताई गई। अच्छा, तो शरीर की पूरे हिस्से की जांच, तो वो कोई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जैसे एम्स है या पीजीआई है या ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जांच तो वो भी कर सकते हैं या वहाँ नहीं, आपने कोशिश की? देंगे जांच, वो कहेंगे बहुत, मतलब कि जाके वहाँ से पहले ज़्यादा दिक्कत हो, परेशानी उठानी पड़ेगी जब जाके जाँच करूँगी वहाँ, क्योंकि इतनी वो नहीं है कि इसे ले कर फिरेंगे हम, ये परेशान बहुत करें, ज़्यादा देर फिर इसे अगर धूप में, धूप बर्दाश्त नहीं है, गर्मी बर्दाश्त नहीं है, ठंड बर्दाश्त नहीं है, तो काफ़ी संवेदनशील है, सेंसिटिव है, तो आपको जो है इसे जैसे भूख बर्दाश्त, मतलब कि एकदम रोग एकदम तुरंत दूध चाहिए रोज, तो माँ का साथ रहना जो है वो जरूरी है हर वक्त, हर वक्त इसे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़। तो जब इनको इतना नज़दीक रखना पड़ता है, जैसे आप बता रहे हैं कि एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकते, इतना नज़दीक रखना पड़ता है, तो ये जो आपकी अहलियाँ हैं, आपकी वाइफ है, ये दूसरी एक्टिविटी, खाना बनाना, घर की सफाई करना, मेहमान आ गए तो उनको हैंडल करना, मैं आ जाऊँ इसे ले लूँ ये खाना बना ले, तो आप फिर आप काम नहीं कर पाते होंगे? नहीं, जैसे ये काम पे रहे, मतलब ये सो गया तो कर लिया काम मैंने, नहीं तो ये रोता ही रहे तो मुझे तो काम करना ही है, ये तो रो रही है। आप बर्दाश्त करते हैं? जी बर्दाश्त, अब तो आदत हो गई इसकी, शुरू में तो बिल्कुल आदत नहीं थी इसको, पहले गोद में लेना पड़ता था जब काम, नहीं तो ये देवरानी है ये ले ले, पर ये चुप नहीं होता किसी पे भी, सब प्यार करे वैसे इसका बहुत, पर चुप नहीं होता किसी पे भी, बस मैं ही बर्दाश्त कर सकूँ कि चुप हो जाए, दूध पी लेगा बस। ये फील करता है, मतलब जैसे ये थोड़ा मेडिकल मैं अलग से समझना चाहता हूँ इस चीज़ को अपनी नॉलेज के लिए, ये फील करता है कि इसको पता चल जाता है कि मैं माँ की गोद में हूँ? जी जी, मेरी गोद की फील करे, जैसे मैं किसी को दे दिया मैंने इसको ले लिया तो चुप हो जाएगा यो, ये अरहस्यगा मर्जी में अगर इसकी आ गई तो उसे। अच्छा, कभी आपने ये जानने की कोशिश की, किसी डॉक्टर ने बताया कि इसका इलाज हो सकता है? डॉक्टर से ये कहते हैं कि इलाज नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने तो सब नहीं कह रखा कि पैसे लगा के भी क्या फ़ायदा, इसका इलाज नहीं होना, ठीक नहीं होना, ठीक नहीं, डॉक्टरों ने ऐसे किया नहीं, डॉक्टर ऐसा कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छा डॉक्टर कोई हो और वो कोई उम्मीद दे, कोई आशा उससे आपको बन जाए, और समझ का इशू है ना, कुछ डॉक्टर्स की समझ जो है वो कम है, कुछ की ज़्यादा है, बट डॉक्टरों ने यूँ कहा कि मतलब दिमाग नहीं है, दिमाग तो कहाँ से डालें, दिमाग नहीं है इसमें, डॉक्टर से बताएं अल्लाह की हुक्म से ही बढ़ेगा, वैसे तो इसकी नसों में दिक्कत बता, नहीं दिमाग नहीं है तो देखो ये सब चीजें तो दिमाग से कंट्रोल होती है ना, जैसे भूख लग रही है जी, है ना, ऐसे भूख लग रही है, मतलब दिमाग नहीं है कि कम है, दिमाग नहीं होता इसमें, थोड़ा सा भी ना होता तो ये भूख का भी ना पता होता इसे, रोने का भी ना होता, अगर जैसे कुछ होवे बच्चा तो जब दिमाग नहीं होता तो बिल्कुल भी नहीं, माँ के होने का एहसास कैसे करता? मेरा भी एहसास करे, मैं ले रखूँ तो चुप रहेगा, पता रहता है इसको माँ के पास, माँ के पास है, हाँ, मतलब मेरा ये एहसास है इसे। तो खेलता भी है, कोई एक्टिविटी खेल जैसी है? बस खेलता है थोड़ी बहुत देर, अगर ठीक रहे, अगर ये ठीक रहे तो पूरे दिन चुपचाप रहेगा। अच्छा, ये अर्ची ये कैसे करता है, मतलब जैसे हम अभी देख रहे हैं कि ये मुँह चला रहा, हाँ हाँ, ये से ही मुँह चलावे, ये क्या है? बस ये तो अल्लाह को पता, मुझे भी नहीं पता, सब ये सोचे कि इसे भूख लग रही, पर ये जब से हुआ ऐसे ही मुँह चलाओ जा, दूध पीने के बाद भी अगर खेलता रहेगा ऐसे ही मुँह चलाओ जा, ये क्या वजह हो सकती है आप बताएं? ये तो खुदा को ही पता है, मुँह क्यों चला रहा जी, हमें तो पता ही नहीं, आप बताइए सरताज साहब, डॉक्टर हैं आपके, इसके ये इसके पीछे क्या साइंस हो सकता है? भाई ये इन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टरों को बड़े बड़े से कंसल्ट लिया है, और जब सभी डॉक्टरों ने ये जानकारी दी है कि भाई इसका जो है मतलब माइंड काम नहीं कर रहा, और जैसे अभी हमने इसे फिलहाल देखा भी है, तो ये इसकी अम्मी जान बता रही हैं कि भाई ये मेरी गोद को फील करता है, टाइम पे दूध भी पीता है, तो उस हिसाब से ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें माइंड नहीं है, भाई दिमाग तो है, हाँ इतना कह सकते हैं कि भाई 100% या मतलब 70% ना होकर मैं 30% काम कर रहा हूँ, ये तो इस तरह के दिमाग वाले बच्चों की कोई रिकवरी का कुछ सीन है कि ये बेहतर हो सकते हैं? भाई दुनिया में एक से बड़े एक डॉक्टर पड़े हैं, ऐसा नहीं है, और साइंस ने तरक्की भी काफ़ी कर ली है, तो मेरा मानना ये है कि अगर कहीं अच्छे से किसी डॉक्टर को दिखाया जाए तो हो सकता है कि इसे कुछ आराम मिल जाए। आपको लगता है रिजवान साहब कि
असल में हमारी भी मजबूरी होती है कुछ ऐसे सवाल पूछना जो थोड़ा सा जो है वो जानकारी लोगों तक जो है वो खुलकर बात चली जाए, वो समझने की कोशिश कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा हम भी बताना चाहते हैं लोगों को बिल्कुल। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो तकलीफ़ पहुँचाते हैं, जैसे अभी अर्शी को तकलीफ़ हमारे एक सवाल ने पहुँचा दी थी, ये सवाल जो है आपको भी तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल सही बात लोगों तक पहुँचे। आपको तकलीफ़ होती है कि ये मजदूरी आप करते हैं, अंदर से आपको जो है फील होता है कि आप अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पा रहे, या आप जितनी भाग दौड़ कर सकते थे जांच भी नहीं करा पा रहे पैसा ना होने की वजह से, ये सब चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं? हाँ तकलीफ़ तो होगी जब इसका इलाज नहीं हो रहा जी, तकलीफ़ तो होगी जी। अब जो डॉक्टर हैं ये एम डी शर्मा थे, उन्होंने जो जाँच लिखी थी कहने लगे कि आप जांच करवा दोगे इतनी, मगर जो नहीं या करवा देंगे मगर अभी जब पैसा हो जाएगा जब करवाएंगे, हमने कहा था उनसे, कहने लगे इससे पहले इनका इलाज नहीं होगा जब तक जांच नहीं होगी। ये कब की बात है? ये होगी कम से कम 5-1 महीने के करीब। एक माँ रात भर रोती रहती है, बच्चा 24 घंटे तक चुप नहीं होता, और बाप 300 रुपये रोज़ कमाता है और इसलिए परेशान है कि उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने बेटे की जाँच भी करा सके, ये है व्यवस्था। तो रिजवान साहब आप काम क्या करते हैं? नहीं मजदूरी का काम करे, चिनाई की मजदूरी में आप चले जाते हैं, और कितना पैसा आपको मिलता है? 300-400 रुपये 300-400 रुपये का आपको मिलता है, और एक महीने में कितने दिन काम आपका चल जाता है? महीने में जैसे 5 दिन भी 10 दिन भी रुक जाता हूँ। रुक जाता है मतलब कुल मिला के हम समझें कि आप 20 दिन काम कर पाते हैं, तो 8-10 हज़ार रुपये कमा लेते होंगे, और परिवार का भी दूसरे खर्चे भी होते होंगे। तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से गए सरकारी अस्पतालों में, मतलब जहाँ आयुष्मान योजना एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी जिसमें जो है वो गरीब फैमिलीज़ के जो लोग होते हैं उनका इलाज कराने की जो है वो कार्ड बनता है जिसमें वो इलाज वहाँ तक कराते हैं, तो कभी वैसा नहीं एफर्ट आपने किया? नहीं वहाँ पे जो है इसके नाम की जो हमारी बहन है मुजफ्फरनगर में के भी रही थी वहाँ करवा लो, तो उसके जो है आधार कार्ड बनना था, उन्होंने आधार कार्ड मंगा था, पहचान पत्र जो मंगा था, जो भी है इसकी ये चीज़ें मंगी थी इसकी जांच लिखवाने के लिए, कह रही थी मैंने कोई करवा देंगे जांच, फिर जो है इतना टाइम लगा नहीं था जैसे वहाँ मुझे फना करने लगते। तो आपकी हिम्मत तो नहीं टूट गई? मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि भाई इलाज ही नहीं हो पाएगा, इलाज तो हो, एक तो ये होता है कि इलाज नहीं हो पाएगा, एक इलाज है नहीं, एक आपका एफर्ट नहीं है, गरीब होने की वजह से आपकी हिम्मत टूट गई। एक आदमी तो कह रहा है, कोशिशें हैं आपकी? कोशिश तो है, एक आदमी तो कह रहा है कि इलाज नहीं होगा, हाँ एक आदमी कह रहा है कि रिपोर्ट करवाओ, फिर दूसरे के पास ले जाएंगे कि इसका इलाज नहीं होगा, रिपोर्ट करवाने से क्या फ़ायदा, इसे जैसा आया ऐसा ही रहने दो, उस डॉक्टर ने कहा अपना जब तक इसकी खिदमत करो जाओ तो ज़्यादा वो ना चक्कर में पड़ो वहाँ दिखाओ ऐसा। अच्छा तो कुछ ये भी एक अहम बात है जो रिजवान बता रहे हैं, वो अहम बात ये है कि इनका कहना ये है कि जब ये कुछ डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कुछ कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, और कुछ कहते हैं कि इनका ये एडल्ट होने से पहले अल्लाह ऐसे बच्चों को बुला लेता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप रिपोर्ट्स करा लीजिए, आप जाँच करा लीजिए, और जांच जो है वो बहुत महंगी है, और ये मज़दूर हैं तो 300 रुपये रोज 400 रुपये रोज कमा पाते हैं, तो इनके मन में ये बात चली जाती है, कहीं से कन्फ्यूज़न हो जाता है, इनको लगता है कि पता नहीं कि ये रास्ता जो है ये सही भी है या गलत भी है, और उस समय ये कन्फ्यूज़न में फंस जाते हैं। तो ये भी एक है कि इलाज है या नहीं है, अब तक इसकी उहापोह की स्थिति भी बनी हुई है। वे लोग जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो शायन को भी ज़रा एक बार देखें, और शायन को मैं 2-3 चीज़ें आपको पहले से बता चुका हूँ, अर्शी ने बताई हैं, लेकिन चूंकि अर्शी उनकी माँ है वो ज़्यादा जानती है, लेकिन जो मैंने सुन लिया है वो भी मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ। इनको ब्रेन डिसऑर्डर जैसी समस्या है, इनके दिमाग का कोई ग्रोथ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, शरीर की दूसरी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है, जिन डॉक्टर्स ने इनको प्राइमरी इनका ऑब्जर्वेशन किया है एग्जामाइन किया है उनका कहना यह है कि इनका दिल ठीक काम कर रहा है, इनका हाथ ठीक काम कर रहे हैं, पैर मुड़ जाते हैं लेकिन सीधे भी हो जाते हैं, खाने में इनकी इम्यूनिटी वीक है तो ये सिर्फ लिक्विड ले पाते हैं, और लिक्विड में दूध माँ का दूध इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, और अभी मुस्कुराते भी हैं लेकिन रोते बहुत ज़्यादा हैं, कभी कभी मुस्कुरा लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि शायन इस वीडियो के माध्यम से इस रिपोर्ट के माध्यम से अगर आपको लगता है कि शायन का कहीं कोई इलाज हो सकता है, कहीं कोई डॉक्टर है, इस बीमारी को आप समझ सकते हैं, तो हमको आप ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आसमान मंद कैफ और 2circle.net देख रहे थे।